हेलो फ्रेंड्स, इट्स वजदान फ्रॉम मुल्तान। तो कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। स्टेट सिर्फ सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए समझना ज़रूरी नहीं है। स्टेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम तमाम लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अक्सर ये सुनते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ स्टेट, इंडिया इज़ अ स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम इज़ अ स्टेट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ में स्टेट की डेफिनेशन क्या है। दुनिया में कोई भी स्टेट की सेटल्ड डेफिनेशन नहीं मौजूद, लेकिन एक ब्रीफ और एक अच्छी कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आपको मैं यहाँ बोर्ड पर दिखा सकता हूँ। सोसाइटी ऑफ मैन ऑक्यूपाइंग अ टेरिटरी द मेंबर्स ऑफ विच आर बाउंड टूगेदर बाय द टाई ऑफ कॉमन सब्जेक्शन टू द सॉवरन गवर्नमेंट। इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने ये चार पॉइंट्स को ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया है। फर्स्ट इज सोसाइटी ऑफ मैन, यानी कि लोगों की एक सोसाइटी। सेकंड, टेरिटरी, उन लोगों के लिए एक टेरिटरी होना जरूरी है। थर्ड इज सोवरेनिटी। सोवरेनिटी इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर समझने की जरूरत सिर्फ इतनी है, सोवरेनिटी इज एन इंडिपेंडेंस इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी कि आप अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंट होते हैं। एंड द गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर पॉपुलेशन हो, उनकी अपनी टेरिटरी हो, वो सॉवरन हो और उनकी अपनी कोई गवर्नमेंट हो, तो वो एक स्टेट बन जाती है। इंटरनेशनल लॉ में स्टेट की डेफिनेशन नहीं दी गई, लेकिन स्टेट के कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस दी गई हैं कि अगर आप वो क्वालिफिकेशंस पूरी करेंगे तो वो स्टेट है। मॉन्टीविडियो कन्वेंशन 1933 आर्टिकल 1, इस कन्वेंशन के आर्टिकल 1 में स्टेट को डिफाइन नहीं किया गया था। इसके चार क्वालिफिकेशंस दिए गए थे कि अगर कोई भी एंटिटी ये चार क्वालिफिकेशंस पूरी कर लेगी तो वो स्टेट बन जाएगी। नंबर 1, जैसा कि मैं ये पहले डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ, ये वही पॉइंट्स हैं। नंबर 1 परमानेंट पॉपुलेशन, सेकंड डिफाइंड टेरिटरी, थर्ड सोवरेनिटी एंड फोर्थ इज गवर्नमेंट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेट को इंटरनेशनल लॉ में समझना क्यों ज़रूरी है। स्टेट इज द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट मीन्स एन एंटिटी विच पोजेसेस राइट्स एंड ड्यूटीज। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो हम ये कहेंगे कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आर द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसी तरह से इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स कौन से हैं, मतलब ये है कि ऐसी कौन सी एंटिटी है जिनको इंटरनेशनल लॉ कुछ राइट्स देता है और उनसे कुछ ड्यूटीज एक्सपेक्ट करता है। इंटरनेशनल लॉ में स्टेट की इसके राइट्स बहुत सारे हैं। मैंने यहाँ पर उनके इम्पोर्टेंट और कुछ मेजर पॉइंट्स लिखे हैं। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि ये आपका राइट है कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करे तो आप अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, इसको मैं अपने एक लेटर लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि अपने फैसले खुद करना, यानी कि इसको हम आसान लफ्जों में इस तरह से समझ सकते हैं कि आप अपनी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो खुद इलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से स्टेट्स की कुछ ड्यूटीज भी हैं, नॉन इंटरवेंशन, सेटल डिस्प्यूट्स एमिकेबली, यानी कि आपको ये आपकी ड्यूटी है कि अगर आपने यूएन चार्टर को साइन किया है तो आप किसी और स्टेट के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसी तरह से आप अपने डिस्प्यूट्स हैं उनको एमिकेबल तरीके से सॉल्व करेंगे बजाय वॉर से और टेरर से। तो हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, बहुत बहुत शॉर्ट, बहुत ब्रीफ। देखिए, स्टेट की चार क्वालिफिकेशंस हैं, परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।